आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट्स रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन. सो इन अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम मैकेनिज्म प्रोवाइड टूल्स दैट यूजर इंटरफेस फॉर एक्सटर्नल क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन टू कॉन्फिगर एंड एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड बेस आईटी रिसोर्सेज. ओके, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल. बेसिकली रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल इन द सेंस हम एक स्पेसिफिक सिस्टम को रिमोटली हैंडल करते हैं. जैसे लाइक आपका एनीडिक्स आपने देखा होगा या जो भी रिमोटली एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर है सभी इसके अंदर कवर कर सकते हैं. तो सेम हमें क्या करना है कि जैसे कि ऑल जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स है सबको पता होगा कि वर्क फ्रॉम होम जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली रिमोटली हम क्या करते हैं हमारे घर से जो हमारे सिस्टम इन द सेंस जो आपका वर्किंग स्पेस होगा वहां का जो सिस्टम है वो एक्सेस करते हो सर्वर से वो एक्सेस करते हो. सो वाया अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम ये सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं. एंड द सिंबल that used in this book for the remote administration system, it display the user interface will typically a label to indicate the specific type of and portal. कि जैसे कि remote administrator tool in the sense क्या होगा जो remote in the sense जो website हो गया portal होगा उसके through हम क्या कर सकते हैं हमारा जो system है या server है उसको access कर सकते हैं. So basically with the help of डायग्राम हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सो इन अ डायग्राम आपको क्या दिख रहा है द रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम कैन बी एस्टैब्लिश अ पोर्टल फॉर एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फीचर ऑफ वेरियस अंडरलाइंग सिस्टम इंक्लूड अ रिसोर्स मैनेजमेंट एसएलए मैनेजमेंट एंड बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो अब इन डिस्क्राइब डायग्राम द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज द एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग अ मैनेजमेंट. कि इफ आपको रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है एसएलए मैनेजमेंट करना है या बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करना है तो बेसिकली जो क्लाउड कंज्यूमर होगा उसको रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक्सेस करना पड़ेगा. उसके अंडर ही ये जो बाकी के तीन कंसेप्ट है तीन सिस्टम्स है थ्री डिफरेंट सिस्टम इसके अंदर हम कवर करेंगे. सो इन अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट अ अंडरलाइंग मैनेजमेंट सिस्टम टू एक्सपोज एंड सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेटर टूल टू एक्सटर्नली क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड द सिस्टम प्रोवाइडर कस्टमाइज यूजर कंसोल्स व्हाइल द प्रोग्रामेटिकली इंटरफेसिंग विद द अंडरलाइंग मैनेजमेंट सिस्टम वाया एपीआई. ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस थ्रू हम क्या करने वाले मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करने वाले. लाइक कोई भी टास्क या कोई भी काम आप एज अ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ओके तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या होना चाहिए एक इंटरफेस आपके पास होना चाहिए एक पोर्टल होना चाहिए या एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो उस एपीआई थ्रू उस इंटरफेस थ्रू आप आपके जो सर्वर्स है या सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, देन टूल्स एंड एपीआई के लिए क्या टास्क परफॉर्म करते हैं द टूल्स एंड एपीआई प्रोवाइड बाय द रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल आर जनरली यूज्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर टू डेवलप एंड कस्टमाइज द ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड अ क्लाउड कंज्यूमर विथ अ वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल. कि देयर आर टू डिफरेंट वराइटीज जैसे कि कौन कौन से वराइटी ऑफ पोर्टल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टल इज नथिंग बट कि आपका जो वेबसाइट होगा ओके या वेब एप्लीकेशन बोल सकते हो दैट इज नथिंग बट अ वेब पोर्टल. ओके, द फॉलोइंग आर द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ पोर्टल दैट आर क्रिएटेड विद द रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम. कि कौन कौन से दो पोर्टल्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं सिंपल है. फर्स्ट वन दैट इज अ यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल जिसका वहां पे एक यूजर होगा एंड एक एडमिन होगा तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सभी चीजें इसके अंदर परफॉर्म होगी. एंड देन सेकेंड पोर्टल दैट इज नथिंग बट अ सेल्फ सर्विस पोर्टल. जो भी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सेल्फ हम क्या करते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल जैसे खुद ही कुछ जो भी डेटा है वो फिल करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो सेकेंड साइड में भी होगा वो खुद ही सभी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. जैसे कि कोई भी एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल बोल सकते हो
ओके उस पोर्टल के ऊपर क्या होता है कि जैसे कि कंपनी खुद क्या करती है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर पेश कर देती है, एंड जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या करता है अपनी रिक्वायरमेंट वहां पे पेश कर देता है, एंड कंपनी सर्च करता है और जो भी नंबर्स ऑफ एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म होते हैं वो सेल्फ सर्विस होती है, खुद के खुद ही हमें क्या करना है इसके अंदर टास्क परफॉर्म करना है। तो थोड़ा सा डीप में जाते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। इन यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल द जनरल पर्पज ऑफ दैट पोर्टल दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंट्रोल टू डिफरेंट क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेज एंड कैन बी अ फर्दर प्रोवाइडर आईटी रिसोर्सेज यूजर्स रिपोर्ट, कि इसके अंदर क्या होने वाले कि नंबर्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर हम यूज कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर कि दोनों साइड्स के लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कि वन ऑफ द क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकता है एज अ यूजर एंड सेकेंड दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटर जो नंबर्स ऑफ चेंजेस इसके अंदर परफॉर्म करने वाला है। यूजर्स एंड एडमिन ये दो डिफरेंट मॉडल्स इसके अंदर हम क्या कर बोल सकते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज इन दिस वीडियो दैट इज अ सेल्फ सर्विस पोर्टल। Okay, this is an essential for a shopping portal that allow a cloud consumer to search up-to-date list of a cloud services and the IT resources that available from a cloud provider uses list. And the cloud consumer submit its choose bit item to the cloud provider and provision. जैसे कि यहाँ पे example दिया है उन्होंने एक shopping website, okay? Shopping website के ऊपर क्या होता है जो buyers होंगे वो क्या करते हैं खुद ही अपनी information जो भी select item करने हो item select करते हैं and buy करते हैं, and जो sellers होंगे वो क्या करेंगे उनके accordingly जो उनके पास data होगा या जो भी product होगा उसकी product की information वहाँ पे fill करेंगे and उसके accordingly वो यहाँ पे बाय करने वाले। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं कंसेप्ट को। सो इन अ डायग्राम फर्स्ट दैट इज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। ओके इन अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस द एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल टू कॉन्फिगर एन ऑलरेडी वर्चुअल सर्वर टू प्रिपेयर इट फॉर होस्टिंग। जो एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन होगा यहाँ पे क्या करने वाला है जो वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है वो टास्क यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। एंड देन सेकंड यहाँ पे होगा दैट इज अ क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर देन यूज द सेल्फ सर्विस पोर्टल टू सिलेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोविजन एंड न्यू क्लाउड सर्विस। देन सेकंड में क्या होगा सेम एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर जितने भी नंबर्स ऑफ टास्क उसको परफॉर्म करने एज अ सेल्फ सर्विस वो यहाँ पे करेगा। एंड थर्ड दैट इज नथिंग बट अ यूसेज administrator portal. The cloud resource administrator portal then access the usage and administrator portal again and configure the new provisional cloud services is hosted on a virtual server. कि जितने भी numbers of services हमारे cloud के ऊपर provide किए उस service को access करने के लिए हम usage and administrator portal यहाँ पे use करने वाले। And then last आपको fourth number दिख रहा है that is a remote administrator system. Throughout these steps the remote administrator system interact with the necessary management system to perform a requested action. कि जो भी action हमें needed होगी या जो action हमें perform करनी है वो action हम यहाँ पे perform करेंगे। तो इन नंबर्स ऑफ जितने भी चीजें हम देखे रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड्स है। ओके इन नंबर्स ऑफ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन ओके सो फर्स्ट डिपेंडिंग दैट इज कॉन्फ़िगरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स। ओके जो भी क्लाउड की सेटिंग्स हो गई सभी चीजों के ऊपर ये हमारा रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम डिपेंड होने वाला है। देन नेक्स्ट द प्रोविजनिंग एंड रिलीजिंग ऑफ एन आईटी रिसोर्सेज फॉर ऑन डिमांड क्लाउड सर्विसेज की जो भी क्लाउड की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे वर्क होने वाला है। देन नेक्स्ट दैट इज मॉनिटरिंग अ क्लाउड सर्विस स्टेटस यूजेस एंड परफॉर्मेंस की नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो भी क्लाउड मॉनिटरिंग करते समय जैसे कि उसका स्टेटस क्या है एक्टिव है पैसिव है कि देन उसका कितना यूज हो रहा है हमारे डेटा का या कितना परफॉर्मेंस है हार्डवेयर का ये सभी चीजें हमें इसके अंदर कवर करनी है। देन मॉनिटरिंग अ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड SLA फुलफिलिंग कि अकॉर्डिंग टू SLA
हम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं क्या नहीं, हो रही क्या नहीं, ये सभी चीजें हम मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एसएलए फुलफिलिंग के अंदर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम मैनेजिंग लीसिंग कॉस्ट एंड यूसेज फी, कि जैसे कि जो भी सर्विस हमें एक्सेस करें कि उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कितना कॉस्ट हमें आ रहा है एंड उसको यूज करने के लिए हमें कितनी फी प्रोवाइड की है यूजर को, ये सभी चीजें मैनेजिंग लीज कॉस्ट एंड यूसेज फी के अंदर हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट द मैनेजिंग अ यूजर अकाउंट, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं उनको मैनेज करना है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है एंड स्पेसिफिक यूजर को क्या एक्सेस हमें देना है या कौन कौन सा एक्सेस उनको देना है, ये सभी चीजें एक्सेस कंट्रोल के अंदर होगी। देन नेक्स्ट अ ट्रैकिंग अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सेस टू अ लीज सर्विसेस, स्पेसिफिकली हमें ट्रैक करना कि स्पेसिफिक यूजर्स या सर्विस के लिए हमें क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड की गई है। देन नेक्स्ट दैट इज द ट्रैकिंग, ओके नेक्स्ट दैट द प्लानिंग एंड एक्सेसिंग आईटी रिसोर्सेज, प्रोविजनिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग, स्पेसिफिक जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे उस एक्टिविटी या सर्विस के लिए क्या कैपेसिटी हमें रिक्वायर्ड है, कितनी कैपेसिटी हमारे पास बैलेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्लानिंग एंड एक्सेसिंग ओपन आईटी रिसोर्सेज। ठीक, ओके, सो रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।